want that member should see him, hear him. I don't want it. I want to come. चीज वो उनको सुनेंगे और उनको देखेंगे, देखेंगे नहीं लेकिन सुनेंगे। तो हम दावा देते हैं जी, हमारे मेंबर बॉबी खान साहब अगर आप यहाँ पर हैं तो हमारे इन दोस्त को ले आइए। के ओके खान okay. उनका हमने नाम रखा है जी, जो आज हुजूर से अहद वफा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा की सलामती। जी हुजूर, खुदा की सलामती। के खान भाई मेरे साथ बैठे हैं, तो ये हुजूर से बात करेंगे। पहले तो खुदा का सलाम हो बॉबी साहब आप पर, खुदा की सलामती हुजूर आप पर भी। और आपको मैं नसीहत करता हूँ एक बात। जी, आपने वफा किया मुझसे 3 अहद वफा, तो दुनियाई किसी बात पर ऐसा ना हो कि आपका ताल्लुक 1 सेकंड के लिए भी या 10 सेकंड के लिए भी प्रॉफिट अदर से जुदा हो जाए। इस बात का ख्याल जी रखो, ठीक हो गया, ठीक है? ठीक हो गया। तो वफा यूं की कि मैं अपनी जान की आखिरी दूंगा, मामला नहीं आना चाहिए कि जो आखिरत की जिंदगी में आपकी जंजीरें बन जाए। तो प्लीज दुनिया की सारी गंदगी, कोई मामला भी हो, हमारा साथ ना छूटे, ना 10 सेकेंड, पांच जी सेकेंड और खास कर मैंने प्रॉफिट अतर बेचारे ये इतना काम कर रहे हैं, तो इनको तो इनके इनके इनसे ऐसा कोई वास्ता ना पड़े कि ये बेचारे ढूंढते फिरे आपको। ठीक, प्लीज। ठीक हो गया। आप सलाम मैंने इसलिए किया आपको कि आप मुबारक हैं, कि आप असल सूफियत भी यही है कि उस इंसानियत के दिल में खुदा का नूर का उजाला कर दिया जाए। तो आप जो ये काम कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है कि आप ऐसे रूहानी फर्जंद लेके आ रहे हैं अपने, जो हमेशा यादगार रहेंगे आखिरत में। तो जिसके 3 ऐसे रूहानी फर्जंद हों जिन्हें वो खुदा की तरफ ले आए, तो आखिरत में कहा जाता है तेरी क्या बात है, तू जहां भी मिलेगा खुदा तुझसे खुश हो जाएगा। तो आप इनको लेके आए प्लीज जी। जी ठीक हो गया जी, बात करेंगे जो। तो थोड़ा सा ये तारुफ करा दे, फिर वो अहद वफा इनसे ले लें। और प्लीज अहद वफा जो है, खुदा अपना अहद वफा जब ही निभाएगा या मैं अपना जब ही निभाऊंगा, जब आप अपने अहद वफा को निभाएंगे। तो उनकी आवाज़ सुनने थोड़ा सा वो पूछ ले, फिर मैं अहद वफा ले लेता हूँ अगर वो कर सकते हैं। खुदा की सलामती हजूर। आप पर भी खुदा की सलामती हो। तो नाम तो बता दिया है, अदर कयूम रखा आपने, और जी इनका नाम हमने के खान रखा है जी। चक्के खान रखा है, तो नाम भी बड़े अजीब से रखते हैं आप। अच्छा, के खान, बहरहाल इनकी फोटो मैंने फोटो देख ली आपकी, जी जरूर। वो इन्होंने भेजी मुझे, तो थोड़ा सा जरा जिक्र कर दें वो कौन है जो आपको इस खुदा की तरफ आपकी मार मोड़ के लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा उसका बता दें। बताओ ना, कैसे कैसे इधर आए, कैसे ये बूबी खान तुम्हारा वीडियो भी देखते जो मुझे भी शौक चढ़ गया खुदा की मेहर की। क्या बात। तो मैं आपसे 3 अहद वफा लूंगा। ये तीनों अहदे वफा आपने निभा दिए तो खुदा हमेशा के लिए इस दुनिया में भी दिखाई देगा आपको, और हमेशा में तो आप हमारे साथ होंगे। ठीक है, जहां मैं होऊंगा वहां आप होंगे, और जहां मुझसे जमा होगा खुदा का दिल वहां खुदा होगा। तो पहला अहदे वफा तो ये है कि ये जितनी भी तालीमात आ रही हैं
इनको सुनना है और सुनकर असर ले लेना है अपने दिल में। ये वो असर ही है कि जो इंसान को खुदा से मिलाता है। तो इस पे आप आमीन कह रहे आमीन। हैं। दूसरा ये है कि अहद वफा उसको कहते हैं खुदा के साथ कि दुनिया की सब मुसीबतें भी आगे गुजर जाए तो वो अपना अहद वफा निभाता है। और अहद वफा का जो अरूज का मजमून है वो मोहब्बत इलाही है। तो जहां जहां भी आपको अगर मौका मिला तो आप ये बताएंगे कि खुदा का मसीह समा इस वक्त जिसके मतलब राह देखते देखते उनकी आंखें जो हैं फिर गई, वो इस वक्त आ गया है और वो हमें खुदा से मिलाता है। तो इस पर आमीन कह दें आप। आमीन। तीसरा अहद वफा मेरा है, या यूं कह लें हम दोनों का है। आपने अपना मोहब्बत का अहद वफा निभाया और खुशियां देते रहे कि मसीह जमा खुदा की दुनिया के लिए आया है। तो ये जो अहद वफा है आपका आखिरी सांसों तक जाएगा। तो एक अहद वफा फिर साथ ही मेरा भी है कि मौत आपको लेने नहीं आएगी, या तो खुदा का नूर आएगा या खुदा आएगा या अपने मसीह को भेजेगा कि उसे लेकर मेरे पास आ जा, क्योंकि ये वो है जिसने अपने वफाओं और अहदों को वादों को पूरा कर दिया। इस पे आमीन कह दे, आमीन। आमीन कह दे। अब आप जैदीनी कहलाएंगे और अगर कोई पूछे जैदीनी कौन है तो कहना कि जैदीनी वो है जो खुदा का खानदान कहलाता है और जिसका मरकज खुदा की जात है। तो जो नया नाम दिया है कि एक इंसानियत का खानदान होगा जिसका मेंबर खुदा की जात होगी। तो आप खुदा के खानदान में आ गए हैं तो आप ज़ैदी निकलाएंगे और ये आप सब इनको मुबारकबाद देते हैं। मुबारक जी, बहुत बहुत मुबारक जी के भाई, बहुत बहुत आपको मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप हमारों हाँ अब हम में से बहुत एक मुबारक हो जनाब, बहुत मुबारक। हाँ आप हम में से खैर एक मुबारक। हाँ अब आखिरत की दुनिया में जब पहुंचेंगे ना, जब रूह निकलेगी, कोई कहेगा मैं मुसलमान हूँ, कोई ईसाई, कोई बुद्धिस्ट, और आप कहेंगे मैं खुदा का खानदान। वाह तो जब आप कहेंगे मैं खुदा का खानदान हूँ तो आपके लिए खिड़कियां खुलती चली जाएंगी, बाकी पीछे रह जाएंगे, खुदा का खानदान आगे निकल जाएगा। तो आप बहुत खुशकिस्मत है। बाकी बॉबी साहब का खुदा का बड़ा इनायत है, ये भी देंगे आपको गाइडनेस, और जो जो मालूमात है वो अतर साहब भी आपको फराहम करेंगे। तो मेरा भी आज मैं खास तौर पे सफर में होऊंगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचूंगा तो खास आपके लिए वक्त लूंगा और खुदा को बताऊंगा कि एक और रूह तेरा होना चाहती है हमेशा के लिए। तो आपके लिए दुआ करूंगा तो और कोई बात कहनी है या कुछ कहना है तो कह लें अपने एक खान जी, पूछना ना है मेहरबानी ठेकुर। कोई कोई सवाल नहीं है तो ये आपके मेहरबानी हजूर। हाँ ये भी आपके रूहानी बाप है बोगी, तो पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। तो आपके लिए ना जाने कितने दरवाजे खुल जाएं और आप अपनी जिंदगी में मसीह जमा को भी देख लेंगे। तो इनके साथ रहना है।
और ये जो कुछ कहें इनको सुनना है, क्योंकि राह दिखाने वाला, मिलाने वाला तो वो अपना रूहानी बाप होता है। बेशक, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है बाकी हाजिर। तो आप इन आपकी आइंदा नाम लिखते जाए, क्योंकि फिर उस लिस्ट में कभी खुदा ने मौका दिया तो हमें पता रहे कि कौन कौन जो खुदा जिनके लिए जमीन कुशादा करता जा रहा जी हजूर है। जी। अच्छा जी, जी, बॉबी बहुत साहब जी, कोई बॉबी साहब का सवाल है? इनका नाम बॉबी की बजाय बहारे रख, जी। नहीं हजूर, मेरा कोई सवाल नहीं है। बॉबी इनका नाम रख। ठीक हो गया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाँ, इनका नाम रखना था खुदा की बहारे, ठीक है, ताकि दिल को सुकून मिलता। वाह, इनका नाम खुदा की बहारे रखा है। खुदा की बात, वाह, हाँ, तो फिर बहुत मेहरबानी हजूर, बहुत मेहरबानी, बहुत उसने शुक्रिया। उसको सुकून आए। अच्छा, ये खुदा की बहार है। हाँ, तो मैं इनका नाम खुदा की बहार रखता। वाह, ये ठीक है हजूर, आज से यही नाम चलेगा इंशाल्लाह। कहना कि जी वो बॉबी साहब आए तो यूं कहें कि हजूर खुदा की बहार आई है। वाह, ताकि बेशक, वाह, हमें भी सुकून मिले कि ये बहुत मेहरबानी। बहार देखने के लिए खुदा की तो हम जिंदा है जी। तो एक का नाम ये रखते हैं, इनका नाम बॉबी की बजाय खुदा की बहार। बाकी बाहर रख दीजिए हाँ जी, खुदा की बहार जी। अच्छा जी, जी, बहुत शुक्रिया जी। खुदा की बाहर, हमारे भाई साहब, आपका कोई सवाल है, कोई जोर से कोई बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना फिर अगले मेंबर की तरफ हम चलते हैं। जी हजूर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, खासकर इतना प्यारा नाम देने के लिए, बहुत शुक्रिया। मेरा और कोई सवाल? बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब है। तो जब ये नाम रखेंगे तो आखिरत की जिंदगी में खुदा फूल फेंकेगा कि ये वो है जिसका नाम बहार रखा गया था, वाह मेरी। तो जी हजूर, जी हजूर अगर आपके पास, अगर वाफर वक्त मुयस्सर है, क्योंकि आप अपने कहीं सफर करना था, तो उस हवाले से सवालात हम बाद में ले लेंगे। खुदा की बहार के मौजू पे ही अगर आप कुछ बयान करना चाहें तो फिर उसके लिए हम कुछ मिनट इसको चलने। वर्णा है तो वास्तु तो नहीं हो सकता सवाल लेने इनके। जी है तो ठीक है, मुझे फिर तैयारी करके जाना है, 15 मिनट लेने जी प्लीज। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हम दावत देते हैं जी, सबसे पहले सिकंदर खान साहब, खुदा की सलामती, आपका कोई सवाल हो जो हुजूर से बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। खुदा की सलामती जनाब, बहुत मेहरबानी आपने बिल्कुल मुझे मौका दिया, लेकिन मेरा कोई सवाल नहीं है, बाकी मैं सुन रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बहुत मेहरबानी। जी ये जी हमारे फकीर साहब है, जी ठीक है, मैंने इनकी जो बर्लिन में है उनको भेज दिया है कि अगस्त पूरे हफ्ते में वो अगर वहाँ पे होंगे बर्लिन में, वो जब चाहे मुझसे आके मिल सकती है। ठीक है, तो मैं बर्लिन पर, हमारे साथ 10 लोग होंगे, 12, तो रोज़ाना जब भी चाहे वो आके मिल सकती है। मैं उनको ये भेज दूंगा तारीख, तो उनको जी मैं, हुजूर, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहा था कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, तो मुझे बता दें। तो अभी तक तो नहीं आया, कहती थी मैं कहीं जा रही हूँ, तो जब भी वो कहेंगी तो मैं टेलीफोन कर लूँगा। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा साहब, हम यहाँ पर देखते हैं, अगर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवान साहब क्या अगर यहाँ पर हैं तो बता दीजिए। खुदा की सलामती जी, आप पे वहां सब नहीं जी मौजूद, तो हम चलते हैं जी हमारे अगले मेंबर। यूएम खान भाई, खुदा की सलामती, आप कैसे हैं? हजूर से क्यों बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर लें। जी खुदा की सलामती, मैं सुन रहा हूँ हजूर को।
और अभी कोई सवाल नहीं है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। नवीद खान साहब, खुदा की सलामती, अगर आप हुजूर से बात करना चाहें, साउथ अफ्रीका से हमारे नवीद खान साहब, कोई इनका सवाल हो हुजूर से, या अगर बात कर सकते हो तो फिर आप हमें बता दें। जी हजूर, खुदा की सलामती। जी जी हजूर, कोई सवाल तो नहीं है, बस सुन रहे हैं आपको। बड़ी देर बाद कहा, मैं समझा कोई सवाल है। नहीं हजूर, कोई सवाल नहीं है। चलो, दिल को तसल्ली हो गई, कोई सवाल नहीं। आपका बस इंतजार हो गया, यही बहुत है हजूर। अच्छा चलो, ये तो बहुत बड़ी, इसे तो मोहब्बत का, वो बचपन में जब जो पतंग उड़ के बुलों में जाती थी तो कभी सिरा हाथ में आ जाता है, तो हवा तेज होती थी तो डोर नहीं रहती थी, तो फिर हवा के दोष में खुद भी चलना पड़ता है। जी ये दीदार भी ऐसी चीज है कि आने वाली नस्लों में खरबहा लोग तमन्ना करेंगे, काश हम जिंदा होते और खुदा के दिल मसीह जुमा के दौर में होते, लेकिन ये इनायत खुदा ने आप, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जी जी बहुत शुक्रिया जी। एम बी खान साहब, खुदा की सलामती, अगर आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, आसानी सहूलियत है आपके लिए, तो आप हुजूर से अगर बात भी करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर लें। एम बी खान से अच्छा जी, कोई अगर दुश्वारी है तो हम आगे चलते हैं। आर खान साहब, रमजान साहब, कैसे हैं आप? हुजूर से अगर बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। जी हजूर, हमारे जी एक मेंबर जिनका भी हमने सवाल तो नहीं ले सकते, ए के खान साहब, इनके जी। लिए जी, इनके लिए हजूर एक खास बात है, जो आज की अगर मीटिंग हम अभी खत्म करते हैं तो हमें सिर्फ 1 मिनट दरकार होगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, ये खसूसी दुआ करवाना चाहते हैं आपसे, तो उन्होंने दरख्वास्त की है कि आज की मीटिंग के बाद हजूर 1 मिनट अता कर दें ताकि वो मेरे लिए दुआ कर दें। तो कोई सवाल नहीं है तो फिर इसको यहां पे खत्म करें। उनको जी जरूर, 1 मिनट के लिए ले आए क्योंकि मैंने सफर कर जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी आपके आज की ऋषि बाबरी का, रूहानी रहनुमाई और कीमती वक्त का, सभी मेम्बरान पे खुदा की सलामती जी। एक एक खान भाई, आप जरा रुकिए जी मेरे साथ यहाँ पे, तो बाकी मेम्बरान हैं उनको मैं यहाँ से रुख्सत करता हूँ इस दुआ के साथ के अगले इस आने वाले सेमिनार में वीकेंड पे, हाँ जी जी खुदा की सलामती जी। हजूर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका हजूर। खुदा की सलामती। बहुत शुक्रिया जी हजूर, खुदा की सलामती। ठीक है। जी।